दुनिया तक पर देखें टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। इन दोनों जमैका के शारोना और कारोना नाम की जुड़वा बहनें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। दोनों बहनों ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें ये दोनों एक मिरर इमेज बनाती हुई नजर आ रही हैं, जिसे देख ऐसा लग रहा है कि मानो कोई एक ही लड़की किसी शीशे के सामने खड़ी है और डांस कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों बहनें आमने सामने खड़ी हैं। इन दोनों का डांस और एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। अब इन दोनों बहनों का मिरर वाला कमाल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नवंबर 2019 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजी गई रेडवाइन बिकने को तैयार है। अंतरिक्ष में 14 महीने बिताने के बाद इस रेडवाइन की एक बोतल को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। ये इसलिए किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि पृथ्वी पर रखी शराब बेहतर है या अंतरिक्ष में रखी गई। इस रेडवाइन का नाम पेट्रस 2000 मर्लॉट है। इसे फ्रांस के बोर्डो इलाके के अंगूर से बनाया गया है। इसे 14 जनवरी 2021 को वापस धरती पर लाया गया। इसे लाने के लिए स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की मदद ली गई थी। इस बोतल ने अंतरिक्ष स्टेशन पर 438 दिन बिताए हैं। अमेरिका में एक महिला ने अपना घर फूंका और खुद बाहर आराम से कुर्सी पर बैठकर आग की लपटें देखती रहीं। घटना है अमेरिका के मैरीलैंड शहर की, जहां एक महिला का घर जलता रहा और वो महिला लॉन में कुर्सी पर बैठकर आराम से किताब पढ़ती रही। बताया जा रहा है कि घटना से पहले घर के अंदर कुछ हलचल होती है, फिर तेज आवाजें सुनाई देने लगती हैं कि मानो किसी से झगड़ा हो रहा हो। इसके बाद उस घर में आग लग जाती है, जिसका वीडियो महिला के पड़ोसी ने अपने कैमरे में कैद किया, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मोरक्को में 26 साल की हलीमा ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद अब डिलीवरी के दौरान खून की कमी से उसकी हालत बेहद गंभीर है और वो अभी भी वेंटिलेटर पे है। 9 बच्चों के जन्म के बाद से ही वजन और एमनियोटिक फ्लूइड निकलने की वजह से हलीमा संघर्ष कर रही थी, जिसके बाद अब हलीमा की सेहत का ध्यान रखने के लिए माली की सरकार ने विशेष इंतजाम कराए थे। रेडियोलॉजिस्ट 18 नर्सों के साथ इंक्यूबेटर की मदद से ब्लड के फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हलीमा ने इन बच्चों में 5 लड़की और 4 लड़कों को जन्म दिया है। भारत में जारी कोरोना से मौत का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। थाईलैंड से लखनऊ आई एक महिला की 2 दिन बाद ही कोरोना से मौत हो गई। पुलिस ने महिला का अंतिम संस्कार किया और शुरुआती जांच में पता चला कि महिला कॉल गर्ल थी, जिसे एक कारोबारी ने पैसे खर्च कर बुलाया था। करीब 10 दिन पहले एक बड़े व्यापारी के बेटे द्वारा इस महिला को लखनऊ बुलाया गया था, जिसके 2 दिन बाद ही वो बीमार पड़ गई और 3 मई को महिला की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों की माने तो अब इन सब के पीछे किसी इंटरनेशनल सेक्स रैकेट के होने का संदेह है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की टीम इस केस की जांच में लग गई है।